ये क्वेश्चन है जो सर्कल से रिलेटेड है, और ये चैप्टर सर्कल जो चैप्टर एक्सरसाइज जो वन एक्सरसाइज है उसी का क्वेश्चन है। कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग द सेंटर एट द ओरिजिन एंड कंटेनिंग द पॉइंट 3-4। ओके, सो ये इन्हें एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और इसके अंदर पॉइंट सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है वो 3-4 मौजूद है, तो ऐसे सर्कल की इक्वेशन बनाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, वैसे ऐसे सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे ना तो हमारे पास आर स्क्वायर है और ना हमारे पास यहाँ पे एक्स और वाई की, तो हमें क्या करना है कि जो जनरल इक्वेशन हो जाएगी वो इस तरह। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जो सेंटर है यानी जिसको हम एच के बोलते हैं, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एच के होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास आ जाएंगे, वो है 0-0 यानी ओरिजिन है। ठीक है, ये हमारे पास वो पॉइंट है। दूसरा जो एक और पॉइंट हमारे पास है जो सर्कल के ऊपर है, वो पॉइंट हमारे पास है 3-4। देखिए, अगर मैं यहाँ पे सर्कल बना लेता हूँ मिसाल के तौर पे, मेरे पास एक सर्कल कुछ यू बन जाता है, ठीक है, ये सर्कल है और यहाँ से मैं इसका रेडियस बना देता हूँ, ये सर्कल मेरे पास, इसका जो पॉइंट है ये ओरिजिन है यहाँ पे, और ये जो पॉइंट है ये मेरे पास है 3-4, ये दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब इन दोनों, ये जो रेडियस बनता है इन दोनों पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस एक्चुअली, ठीक है, तो हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके ये रेडियस मालूम कर सकते हैं इजीली। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि रेडियस का जो फार्मूला है, रेडियस हो जाएगा x2-x1² प्लस y2-y1² स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इस तरह से x2 मैं ले लेता हूँ 3-0, x1 मेरे पास 0 है, ये x2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से प्लस y2 जो मेरे पास -4 है, -0 जो y1 है वो मेरे पास 0 है, ये वाला ये 0 है, और ये -4-0 स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, इस तरह से स्क्वायर रूट हम कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, 3-0 इज 3 स्क्वायर प्लस 4-4-0 इज -4 स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा 9+16 और ये 25 अंडर रूट, इससे मेरे पास आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो 5 आ जाएगी। ठीक है, आर की वैल्यू मेरे पास आ गई है। अब जो फार्मूला होता है इक्वेशन ऑफ द सर्कल के लिए वो आपके पास है x-h, इक्वेशन ऑफ द सर्कल का जो फॉर्मूला है मैं यहां पे लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ द सर्कल तो उसका फॉर्मूला है x-h² प्लस y-k² इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब x मेरे पास क्या है, वो गिवन है, वो पार्ट ऑफ द इक्वेशन है, और h हमारे पास जो सेंटर ऑफ द सर्कल है वो हमारे पास 0 है। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा x-0² प्लस y-k इज y-0² इज इक्वल टू आर, आर इज 5 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये x² प्लस y² इज इक्वल टू 25। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल सॉल्यूशन आ गया, इन्हें हमें इक्वेशन निकालनी थी और वो इक्वेशन मेरे पास आ गई है, x² प्लस y² इज इक्वल टू 25, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है, कहते हैं फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स एंड ड्रॉ द फिगर्स। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे आपके पास पार्ट वन है, तो पार्ट वन का जो सोल्यूशन हमारे पास आएगा वो ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो। तो जो जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल है हमारे पास, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो होता है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल है। अब अगर आप इस इक्वेशन नंबर वन जो हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन है अगर इसको कंपेयर कर देंगे तो टू जी इज इक्वल टू माइनस टू हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ओके, सेंटर जो हमारे पास होता है, बल्कि इसको मैं बाद में निकाल लेता हूँ, लेकिन अब उसको पहले इसको कंपेयर कीजिएगा, यानी टू जी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स। अगर मैं इसको यू कर लूँ टू बाय कंपेयरिंग, मैं इसको लिख लेता हूँ, चले by comparing 2gx is equal to minus 2x, x for x को cancel कीजिए, 2g is equal to minus 2, g is equal to, dividing both side by 2, you will get minus 1। तो मेरे पास g की वैल्यू आ चुकी है। इस तरह से जो 2fy है that is equal to my plus 6y, y y cancel, so 2f is equal to 6, dividing both sides by 2, 6 upon 2, f is equal to 3। ठीक है, तो इस तरह से जो सेंटर होता है, सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो माइनस जी एंड माइनस एफ, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इस तरह से मेरे पास आ जाएगा माइनस जी का मतलब माइनस, ये माइनस 1 और माइनस 3। ठीक है, तो इससे जो सी मेरे पास आ रहा है वो 1 एंड माइनस 3, चूँकि ये हमें निकालना था कि फाइंड द सेंटर, ये सेंटर हमें चाहिए था इन रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, दूसरी बात ये, एक और चीज़ अगर हम कंपेयर कर देंगे तो सी हमारे पास जो सी की वैल्यू है वो माइनस 15 है। ठीक है, तो मेरे पास किन किन चीज़ों की वैल्यू आ चुकी है ये मैं बताया था आपको। मेरे पास जी की वैल्यू आ चुकी है, सी की वैल्यू मेरे पास है माइनस 15। तो जो फार्मूला है आर इज इक्वल टू जी स्क्वायर, रेडियस के लिए जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये फार्मूला। ठीक है, तो जी की वैल्यू मेरे पास जो आ रही है वो हमें पहले निकाली, माइनस 1 आ रही है, और एफ की वैल्यू मेरे पास 3 आ रही है। ठीक है, माइनस 1 एंड 3, तो मैं ये वैल्यूज डाल देता हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 15 इज माइनस 15। ठीक है, माइनस इज पार्ट ऑफ द फार्मूला एंड द वैल्यू ऑफ सी इज माइनस 15। तो इस तरह से मैंने वैल्यू डाल दिया और स्क्वायर रूट कीजिएगा, इस तरह से मेरे पास 1 प्लस 9 प्लस 15, 9 प्लस 1 10 अंडर स्क्वायर रूट आ जाएगा, और इस तरह से मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो 25, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 15 25 स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास आर की जो वैल्यू आएगी वो है आर इज इक्वल टू 5। तो ये दो चीज़ें चाहिए थी, सेंटर ऑफ द सर्कल हमें चाहिए था और रेडियस ऑफ द सर्कल हमें चाहिए था, और ये दोनों चीज़ें हमने सॉल्व करी। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, अगर आप उसको देख लें तो सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट टू, तो इसमें जो इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। इज इक्वल टू जीरो, श्योर यही है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं इसमें कंपेयर कर दूं तो मेरे पास टू जी एक्स इज इक्वल टू एट एक्स कैंसल डिवाइडिंग बोथ साइड बाय टू, तो जी इज इक्वल टू एट अपॉन टू, जी इज इक्वल टू फोर, मेरे पास जी की वैल्यू फोर आ गई है। इस तरह से जो 2fy is equal to 0y, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई y नहीं है, तो हम इसको इस इक्वेशन को अगर आप चाहें तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, मैं वैसे बताया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स मेरे पास 8x है प्लस 2fy का मतलब 0y हो जाएगा, 0y और प्लस c, c भी नहीं है तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह से इक्वेशन हम इसको इस तरह से, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से 2fy इज इक्वल टू 0y एंड 2f इज इक्वल टू 0, f इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो f की वैल्यू भी आ गई है और c की वैल्यू वैसे हमारे पास 0 है, ठीक है, वो तो पहले से मैं बताया, तो c की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं और इसमें से इन्हें हमें क्या चीज़ चाहिए, एक सबसे पहले तो सेंटर चाहिए, तो सेंटर का जो फार्मूला है वो है सी, वो है माइनस जी माइनस एफ, तो ये माइनस जी इज माइनस फोर एंड माइनस एफ एफ इज इक्वल टू जीरो, तो माइनस एफ का मतलब जीरो हो जाएगा, तो ये सेंटर हो जाएगा हमारे पास, जो रेडियस हमारे पास आ जाएगा वो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर रूट। तो जब ये वैल्यूज हम डाल देंगे तो जी की वैल्यू हमारे पास फोर है, फोर स्क्वायर प्लस एफ इज जीरो, एफ हमारे पास जीरो है, तो जीरो स्क्वायर प्लस माइनस सी माइनस सी माइनस जीरो, इस तरह से हमारे पास आ जाएगा फोर स्क्वायर स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर विल कैंसल आउट विद ईच अदर। इस तरह से r इज इक्वल टू फोर वैल्यू आ जाएगी। हमें असल में इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो चीज़ें चाहिए थी, एक सेंटर हमें चाहिए था, तो सेंटर की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है, वो है ये देखिए माइनस फोर एंड जीरो, और रेडियस हमें चाहिए था, तो रेडियस इज इक्वल टू फोर, वो भी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वो हमने सॉल्व कर दिया।